नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सोना 24 MMA राहुल सिंघानिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों की जो है बिहार से लगातार जो है वैकेंसी निकाली जा रही है फ्रेंड्स, और हम आपको जो है लगातार अपडेट भी करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, कि जो बिहार के लगभग लगभग सभी जिले में जो है बारी बारी से जो है वैकेंसी निकाली जा रही है फ्रेंड्स, और हम आपको जो है लगातार इनकी अपडेट भी देते आ रहे हैं फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास निगम के ICDS की तरफ से जो नोटिफिकेशन जो कि निकाली जा रही फ्रेंड्स, जो है मिशन नारी शक्ति की योजना के अंतर्गत दोस्तों महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत ICDS की तरफ से मतलब जो जो डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली जा रही फ्रेंड्स, हम उनका जो है आपको जो है अपडेट भी देते आ रहे हैं फ्रेंड्स। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर जो है संविदा आधारित ये वैकेंसी है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दोस्तों ये वैकेंसी जो निकाली गई महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कितनी जो है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, कब तक इनका लास्ट डेट है, A to Z इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सोना 24M को जो है सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है लगातार अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है आप लोग किस जिले से फ्रेंड्स, ये भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग रिफाइन करके कमेंट को जो है जो डिस्ट्रिक्ट का कमेंट आता है फ्रेंड्स, और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर वैकेंसी निकाली जाती है फ्रेंड्स, तो उनको जो है कमेंट रिफाइन करके उनको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकाली गई है, आप अगर इच्छुक हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम डायरेक्टली आपको जो है नोटिफिकेशन ऊपर लेके चलेंगे फ्रेंड्स, और वहाँ से जो है जानेंगे कि जो है इस वैकेंसी मतलब वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी फ्रेंड्स, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन जानेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप डिस्प्ले के ऊपर देख पाएंगे फ्रेंड्स, जो है वन स्टॉप सेंटर जो है के रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जो कि संविदा आधारित ये वैकेंसी फ्रेंड्स, समरालय मुंगेर की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया फ्रेंड्स। समरालय मुंगेर में जो है ये लगा करके जो है इस वैकेंसी को लेकर के तीसरी नंबर वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो है विज्ञापन संख्या 4/2024 है फ्रेंड्स, आप डिस्प्ले के ऊपर देख पाएंगे, और नियोजन के विज्ञापन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें जो है कि जो है प्रबंध निर्देशक जो है महिला एवं बाल विकास निगम पटना बिहार के पत्रांक नंबर जो है WCDC 2024/23 दिनांक 9/9/2023 के आलोक में जो है फ्रेंड्स, और दिनांक 26/9/2023 के पत्रांक WCDC दिया हुआ है फ्रेंड्स, 19/10/2023 के आलोक में दोस्तों वन स्टॉप सेंटर मुंगेर के संचालन हेतु संविदा आधारित जो है रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं फ्रेंड्स। डिस्प्ले के ऊपर साफ साफ देखेंगे फ्रेंड्स, और डायरेक्टली हम जो है फाइनल नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं, जो कि विभाग की तरफ से जो निकाला गया है। अब इसमें हम जो है एक एक करके जानेंगे फ्रेंड्स जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्रेंड्स, जो है पद का नाम है, पदों की संख्या है, आयु है, शैक्षणिक योग्यता है, और अनुभव दिया हुआ है फ्रेंड्स, और मूल मानदेय भी इसमें जो है दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है कि केस वर्कर का पदों पे वैकेंसी है, जो इसकी स्पेशलिस्ट महिलाओं के लिए है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है फ्रेंड्स, जो है कानून, समाज कार्य, समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक होने चाहिए, मतलब इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। वही अगर बात करें जो है अनुभव की, तो बताना चाहूँगा कि जो है महिलाओं को जो है मुद्दे से संबंधित जो है किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान परियोजना में कार्य करने का कम से कम 3 साल का जो है आपको अनुभव होनी चाहिए। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें जो है प्राथमिकता स्थानीय अभ्यर्थी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, जो लोकलिटी स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, बट ऐसा नहीं है सभी को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वही अगर मानदेय की बात करें फ्रेंड्स, तो 22,000 रुपये जो है सैलरी रखा गया है, जो कि पर मंथ आपको जो है मिलने वाली है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर में, जो है आप देख पाएंगे जो है मनोसामाजिक परामर्शी, जो कि स्पेशलिस्ट महिलाओं के लिए पोस्ट है फ्रेंड्स, अनारक्षित हैं, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मनोवैज्ञानिक, तांत्रिक विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक होनी चाहिए, मतलब इन सारी सब्जेक्ट से अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें फ्रेंड्स, चाहे महिला के स्वास्थ्य के मुद्दे पर जो किसी गैर संस्थान या सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जो है करने का जो है कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर मानदेय की बात करें फ्रेंड्स, तो 22,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। काफ़ी एक यूनिक मौका फ्रेंड्स, जो कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और आप सभी से लगातार हम जो है रिक्वेस्ट भी करते आ रहे फ्रेंड्स कि जो है आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से है कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि हम लोग रिफाइन करके उस स्टूडेंट को जो इन्फॉर्म कर देते हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी जिले में वैकेंसी निकाली गई है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लगातार जो है इनके अलावा बहुत सारे वैकेंसी निकलती है फ्रेंड्स, जो कि बिहार के आप लोग को इन्फॉर्म नहीं होता, मतलब आप लोग को जानकारी नहीं होता उनके बारे में फ्रेंड्स। तो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट देते आते हैं फ्रेंड्स, ताकि स्टूडेंट्स का जो है फ्यूचर आगे बढ़ सके। DO की पदों पर जो है वैकेंसी निकाली है फ्रेंड्स, और जो है कोटिवार 1+ अनारक्षित हैं, और इसमें जो है एजुकेशन खोजा गया है फ्रेंड्स, कंप्यूटर IT में स्नातक या डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास में,
और जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है डाटा प्रबंधक दस्तावेजीकरण तथा आधारित रिपोर्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि से राज्य जिला स्तर या सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 17,000 रुपया सैलरी रखा, 17,000 रुपया मानदेय इसमें रखा गया है पर मंथ। आगे हम बात करें तो दोस्तों कि पारा लीगल पर्सनल अधिवक्ता जो है इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है एक पद आरक्षित है जो कि कानून में स्नातक होनी चाहिए, कि लॉ में आपकी जो है स्नातक होनी चाहिए कंप्लीट। और यहाँ पे दिया हुआ है महिलाओं से संबंधित किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होने चाहिए मुकदमे में, या मतलब इन सारी लॉ से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे मानदेय जो है 8,000 रुपया पर मंथ इसमें रखा गया है फ्रेंड्स। आगे आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है पारा मेडिकल पर्सनल का एक पदों पर वैकेंसी होने वाली है जो कि अनारक्षित हैं, और इसमें जो है दिया हुआ है कि जो है पैरा मेडिकल में प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास में, और सरकारी या गैर सरकारी संस्थान क्षेत्र में जो है आपको कार्य करने का अनुभव होनी चाहिए। सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। काफ़ी एक यूनिक मौका है फ्रेंड्स जो फीमेल स्टूडेंट्स की जो है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए हैं उनके लिए काफ़ी एक जो है यूनिक मौका है। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है लगातार हम आप लोग से अपने मतलब रिक्वेस्ट करें फ्रेंड्स कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में दोस्तों अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बेनिफिट्स आपको 100% मिलेगा फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन 100% मिल जाएगा फ्रेंड्स। आगे यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स जो है बहुउद्देश्यीय कर्मी मतलब रसोईया की पदों पर वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड्स, जो कि 3 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पे देख पाएंगे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है जो कि मैट्रिक पास होनी चाहिए और अनुभव जो है संबंधित क्षेत्र में जो कार्य करने का मतलब उसमें खाना वाना में जो है इसमें अनुभव होनी चाहिए रसोईया में आपकी। 13,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी रखा गया है फ्रेंड्स। और आगे आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है सुरक्षा प्रहरी मतलब गार्ड की पदों पे वैकेंसी निकाली फ्रेंड्स, जो कि 3 पदों पे वैकेंसी होने वाली है, और वो भी जो है मैट्रिक पास स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दोनों पर्सन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। अनुभव दिया हुआ है कि जो है सुरक्षा प्रहरी ग्रुप में जो है सरकारी या प्रतिष्ठान संस्थान में कहीं भी अगर आप जो है 2 साल का अनुभव आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 13,000 रुपया जो है सैलरी इसमें रखा गया है फ्रेंड्स, काफ़ी एक यूनिक मौका है। आगे हम आपको जो है बताएंगे फ्रेंड्स कि जो है आप फॉर्म किस प्रकार से भर पाएंगे, फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं फ्रेंड्स, और आप जो है बने रहिए अंत तक। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है मिनिमम जो है 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम जो है 40 साल के स्टूडेंट 42 ईयर्स के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज है फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है देख लीजिएगा फ्रेंड्स जो है कि रखा गया है इसमें। जो अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है फ्रेंड्स जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई किस प्रकार से कर पाएंगे तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे दोस्तों कि जो है चयन प्रक्रिया 12 नंबर में आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो है निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के NIC के वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला अधिकारी नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक से किसी भी तरह का जो है पत्राचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे PDF को डाउनलोड करना होगा फ्रेंड्स सबसे पहले, उसके बाद उसको जो है भरना होगा, उसमें मेल आईडी भी आपको जो है खोजा गया है तो 1 TB मेल आईडी आपको देना है, उसी के माध्यम से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब आपका इंटरव्यू है, आप सिलेक्शन हुए कि नहीं हुए, A to Z इन्फॉर्मेशन। और दूसरा नंबर में जो है फ्रेंड्स आप जो है NIC का पोर्टल जो डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है उनके ऊपर आपको जो है लगातार विजिट भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देंगे फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन को खुद से जो है चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अब तो हो गया फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन का उल्लेख करते हुए दिनांक 5 मार्च 2024 से लेकर के दोस्तों 19 मार्च 2024 तक अपना जो है ऑफलाइन आवेदन लिंक जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स यही आपका लिंक है कर सकते हैं। अभ्यर्थी सभी अनुरूप स्व प्रमाणित करना जो है सुनिश्चित करेंगे, स्व अभी प्रमाणित नहीं रहने पर जो है आपके आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें जो है आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टोटल को आपको जो है मतलब जीरोक्स कर लेना है, उसमें 100 भी प्रमाणित कर करके उसके बाद मेन फॉर्म को जो है डाउनलोड करना है आपको, और उसमें जो है हिंदी में सारा कुछ दिया हुआ है उसमें जो टोटल लिखना है। लास्ट में जो कॉलम 14 नंबर में आपका जो कॉलम आएगा फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाएंगे फ्रेंड्स, 14 नंबर में लास्ट में जो कॉलम आएगा वहाँ पर आप जो जो संलग्न कर रहे हैं डॉक्यूमेंट सिंपली आपको 1, 2, 3, 4 करके वहाँ पर जो है लिख देना है। उसके बाद जो है उसका PDF बना करके बस ये जो आप साइट देख रहे हैं यहाँ पे लिंक जो देख रहे हैं फ्रेंड्स इसी लिंक पे आपको जो है भेजना है। अगर आपका घर आसपास पड़ता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में तो आप जो है डायरेक्ट जो है ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं, जाकर के जमा भी कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है लिंक से भेज सकते हैं। और हार्ड कॉपी अपने पास में जो है सुरक्षित रख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आगे आपको जो है इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, और कंटिन्यू जो है आप जो है साइट पे बने रहेंगे फ्रेंड्स, बराबर अपडेट रहेंगे ताकि कब इनका जो है आप मेल के ऊपर अपना चेक करते रहेंगे फ्रेंड्स। जैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी फ्रेंड्स, और कोई आपके एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली फ्रेंड्स, एक से अधिक फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि हम 2-3 फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, बेहिचक कोई दिक्कत नहीं है।
और जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें जो है मिलते रहेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्प्ले के ऊपर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही फॉर्मेट को आपको जो है इसी फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। सारा कुछ इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और सब कुछ जो है सटीक ढंग से भर के अंतिम तिथि से पहले पहले आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।